हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर फोर पार्ट्स एंड होल ऑफ क्लास फिफ्थ मैथ्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. एनसर्कल 1/4 ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन. अब आपको यहाँ पे कुछ कलेक्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको 1/4 जो पार्ट है वो आपको बताना है. सो दिस 1/4 इज एक्चुअली फ्रैक्शन, इट इज देयर. ठीक है, सो जस्ट सी हियर, ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाउ मेनी यू कैन सी दिस डायमंड? सो 8 डायमंड्स आर हियर. ओके, नाउ आउट ऑफ 8 डायमंड वी हैव टू सी, वी हैव टू टेल 1/4 पार्ट. सो आई विल शो यू बाई डूइंग इट. ओके, नाउ सी हियर, सो हियर वी आर हैविंग 8 डायमंड्स. सो 1/4 ऑफ 8. ठीक है, तो 1/4 इन माय लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू इंस्टेड ऑफ वी कैन राइट मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8. सो हाउ वी विल डू, हम क्या करेंगे, ये 4 को ऐसे 4 से 8 को कट करेंगे. सो 4 2 8, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 8 हम यहाँ रखेंगे, 4 को यहाँ रखेंगे. 4 की टेबल में 8 कब आता है? सो 4 2 8. ओके, फाइन. सो 4 2 8, दैट मीन्स 1/4 ऑफ 8 इज 2 पार्ट्स, राइट? ओके, ओके. नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. हियर ऑल्सो हाउ मेनी दिस हार्ट्स वी आर हैविंग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, सो आउट ऑफ 16, 1/4 पार्ट, दैट मीन्स अगेन यू विल डू दिस थिंग हियर लाइक दिस. 1/4 ऑफ 16, सो विल राइट 1/4 इंस्टेड ऑफ विल राइट मल्टीप्लीकेशन एंड 16. सो 1/4 ऑफ 16, दैट इज 4 4 16, राइट? सो आई एम सॉरी, 4 4 16. So how many parts will be there? 4 parts will be there, right? Okay, now our third question in this, how many triangles are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 triangles are there. Now in 8 triangles, 1/4 part is 1/4 of 8. So we'll write 1/4 multiply by 8. So again 4 2 8. So how many parts will be there? 2 parts. Okay, so 2 parts will be there. Okay, now our next question is, encircle to make groups, make 3 groups. This is first question, make 3 groups. Now here you can see some apples are there. Now out of this we have to make 3 groups. So how many apples are there? First we'll see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 apples are there. And what we have to do? 1/3 of 9 apple. So what we can do is 1/3 of 9 apple, that means I'll show you here itself. 1/3 multiply by 9. That means 3 3 are 9. So 1/3 of 9 apple is 3 apples. Okay, 1/3 of 9 apple is 3 apples, right? Now we'll see the second question of this, make 3 groups again. So how many fish, you can see the fishes here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So how many fishes you can see here? 15. Okay, and how, what part we have to find out? 1/3 of 15 fishes. So 1/3 of 15 fishes. So in 3 table 15 comes? Yes, it comes. So 3 5 are 15. So 1/3 of 15 fishes is 5 fishes. Okay, so you can 1, 2, 3, 4, 5 is the part of 15, 1/3 part of 15. Now next question is, make 6 groups. Now here you can see rose flower. So how many rose flowers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total 12 rose flowers are there.
ओके सो यू हैव टू फाइंड आउट 1/6 ऑफ 12 फ्लावर्स. ओके सो 1/6 यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ इन 6 टेबल डू यू फाइंड 12? तो यस 6 टू द 12. ओके सो 1/6 ऑफ 12 फ्लावर्स इज 2 फ्लावर्स. फाइन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक 4 ग्रुप्स. नाउ हियर यू कैन सी बनानास. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 बनानास आते हैं. हाउ मेनी? 12 यू कैन सी हियर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 1/4 पार्ट ऑफ 12 बनानास. सो 1/4 सो इन 4 टेबल 4, 4, 3 are 12 सो 1/4 ऑफ 12 बनाना इज 3 बनाना. ओके दिस 3 बनानास. अंडरस्टूड? ओके सो टिल ही आई विल टीच यू. थैंक यू.